सबको नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रियांक त्यागी ब्लॉग में। सबसे पहले आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं, भी मुझे ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। चलिए, तो हमारे ब्लॉग की अभी हमें पहली राइड लेते हुए आगे उनका, तो अब हम पहली राइड लेने जा रहे हैं अपने ब्लॉग की। कितनी देर की होती है ये? कितनी देर? 6 राउंड। ये देखिए, तो अभी हम लोग जा रहे हैं इस राइड को लेने। आप देख सकते हैं ऊपर से हम आपको व्यू दिखाएंगे, इसका व्यू कैसा है। लाइन में देख सकते हैं हम लोग लग चुके हैं, लोग लाइनों में हैं, और वहाँ पे हमारे टीम के लोग वीडियोग्राफी करते हुए आप देख सकते हैं हमारी। अभी हम लोग हाइट पे बैठ चुके हैं झूले के ऊपर, और यहाँ से अभी हम आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे, जितनी हाइट कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं। चलिए अभी आपको मैं आगे का नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ से सिटी का। ये देखिए आप नज़ारा मेले का, पूरा पूरा व्यू देखिए आप यहाँ से, क्या ज़बरदस्त व्यू है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त, यहाँ से आप सब कुछ देख सकते हैं, क्या माहौल है, बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है। अब हमारी राइड चालू हो चुकी है, मैं कैमरे को थोड़ा टाइट पकड़ लेता हूँ। ये देखिए स्पीड बढ़ गई है, बहुत तेजी से स्पीड बढ़ रही है इस वक्त। बाप रे बाप, बहुत खतरनाक। ओह माय गॉड, ओ हो 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 हो, मजा आ गया, क्या हाइट है, ये आया मजा, ये आया, ओह माय गॉड, खतरनाक, बहुत जबरदस्त है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त, एक अलग ही फील इसका आ रहा है। ये 6 राइड मिलेंगी हमें। ओ हो 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 हो, जब ऊपर से नीचे आता है यहाँ पे, ये बड़ा खतरनाक लगता है, ये है सबसे खतरनाक। ओ माय गॉड, ये देखिए, ओ हो 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 हो, अरे बाप रे बाप, बिल्कुल हाइट पे ले आए अब की बार, तो ये बार हाइट और बड़ी कर रहे हैं। अब देखिए और ज्यादा ऊंचाई पे आ गए, अब ये हाइट बढ़ाते जा रहे हैं, शायद अब स्पीड कम हो। बड़ा ही मजा आया ऊपर से हाइट से, हमने आपको पूरा व्यू भी दिखाया है। 6 राइड मिली थी, लेकिन जब ये ऊपर जाता था, ऊपर जाने के वक्त तो इसमें हालत खराब हो जाती थी, पर ओवरऑल ये मेले में अगर आप झूलों में अगर आपको डर ना लगे तो फिर पैसे की बात, मजा आया काफी। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। अरे इधर इधर इधर, तो अब यहाँ पे आए हुए हैं, तो सोचा कि मेले का जायका आपके पास पहुँचाया जाए। राइड को हमने आपको दिखाई दी है, अब आपके पास जायका पहुँचाया जाए। यहाँ पे देखते हैं इनका क्या है। सबसे यूनिक क्यों लग रहा है, वो लग रहा है इनका थोड़ा यूनिक आइटम, बाकी तो सब मिल जाता है। छोले चावल पालक कुल्लड़ वाले, कुल्लड़ में मिलते हैं तो कुल्लड़ वाले हैं, तो इसको ट्राई किया जाए और देखा जाए इनका ये टेस्ट कैसा है और इसका स्वाद आपके पास पहुँचा जाए। मैंने अपनी यहाँ पे ये कूपन ले लिया है, मुझे 80 रुपये का ये कूपन मिला है कुल्लड़ छोले चावल का। तो ये कुल्लड़ में जाएंगे छोले, ये और ये चावल, आजा ऊपर आजा, ये चावल आ गए हैं। और ये क्या भैया, किस चीज का है ये? सरसों का पालक, हाँ जी बिल्कुल, 80 रुपये का कुल्लड़ है। टेस्ट में आपको बाद में बताऊंगा, पहले मेरे हिसाब से 80 रुपये के हिसाब से क्वांटिटी बहुत कम है, बहुत कम है अगर 80 रुपये में। अब रही बात इसके टेस्ट की, कोई खास टेस्ट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मिर्ची भरी हुई है इसमें से,
बच्चे तो मेरे ख्याल से ऐसा खा ही नहीं सकते, 80 रुपए वेस्ट है, नहीं खा पाएंगे। दुकान बहुत ऊंची है, आपने देखा है कितनी सजावट है, जितने ऊंची दुकान है ना, सही बोलूं, पकवान उतने ही फीके हैं। अगर बाजार में जाकर अगर आप 80 रुपए के चावल कहीं और खाते ना, छोले चावल, पेट भी भर जाता। ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए लग रहा है मुझे कि मैं सिर्फ इसे टेस्ट कर सकता हूँ, पेट नहीं भर सकता। खैर अब आगे चल के देखते हैं कोई और खाना, क्योंकि इससे तो यहाँ से कुछ हो नहीं पाएगा। सामने एक मदन, गाजियाबाद का बड़ा फेमस मदन की एक शॉप है, उधर चलते हैं, उधर देखते हैं उधर कुछ मिलता है क्या और उधर का भी स्वाद कैसा है। अब हम आ चुके हैं यहाँ पे मदन के पास में, उधर देखते हैं कि इनके पास में क्या है, ऑप्शन अवेलेबल है खाने के लिए। गाजियाबाद का बहुत मशहूर मूंग दाल हलवा, यहाँ पे स्नैक्स हैं आगे की तरफ, उस साइड में इनका बाकी का काउंटर है, पूरा घूमना होगा तब हमें समझ में आएगा। इधर से घूमते हैं, यहाँ से घूमना चालू करते हैं। मेरे ख्याल से हमको पाव भाजी ट्राई करनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि एक वही है शायद जिससे हमने टेस्ट भी नहीं किया है और उसका स्वाद आपके पास पहुँचा सकें। ये कूपन काउंटर ढूंढता हूँ मैं इनका, कहाँ पे है कूपन का। अरे योगेश, लोग खाने तो आ रहे हैं, स्वाद भी उन्हें बेचारों को कैसा मिल रहा है, पर भगवान भरोसे है। मिल चुकी है अपने को यहाँ पे, 120 रुपए की है ये, मेरा कूपन अपने को मिला है। अब हमारे को काउंटर पे जाना है, उधर जाकर काउंटर पे हम ये कूपन देंगे, उधर से हमको ये पाव भाजी मिलेगी। आइए चलते हैं। तो ये हमने अपने लिए पाव भाजी लगवाई है, पहली बात 120 रुपए की है, क्वांटिटी के हिसाब से इन्होंने देखी इसे, फेक पाव के हिसाब से। मदन काफ़ी बड़ा नाम है गाजियाबाद में, और थोड़ी सी सलाद, मेरे ख्याल से सब्जी सफिशेंट नहीं है, जबकि मैंने उनसे बोला भी था कि एक्स्ट्रा सब्जी कर देना, लेकिन उसके बावजूद भी। अब रही बात इसकी टेस्ट की, अब इसका टेस्ट आपके पास पहुँचाते हैं, देखते हैं कैसा है। सिंपल, बहुत सिंपल, ये मदन की वो क्वालिटी नहीं है एक्चुअली जिसके लिए वो जाना जाता है। 120 रुपए हमने इसके लिए पे किए हैं, 80 रुपए हमने पहले उसके लिए किए थे, दोनों में से अभी तक कोई भी कुछ आइटम ऐसा नहीं लगा जिसे हम कह सके हाँ हम उसे खा सकते हैं। बेकार है, कोई मज़ेदार नहीं है। यहाँ पे मुझे एक गैस गीजर दिखाई दिया है, ये बड़ा यूनिक सा, आइए इनसे देखते हैं, सर्दियों का मौसम है कि कैसा होने वाली है। 200 करोड़ ऐसे हैंग हो जाएगा किचन में या बाथरूम में, और डायरेक्ट किसी भी नल से पाइप लग जाएगा, इससे ऑनलाइन पानी आता है, बस आप पानी खोलेंगे स्विच ऑन करेंगे 10 सेकंड में गर्म पानी आएगा, लगातार आता रहेगा, कंटिन्यूस आ गया, चेक कीजिए, कंटिन्यू फ्लो में रेगुलर आता ही रहेगा, तब तक आएगा जब तक पानी की सप्लाई को बंद नहीं करते हैं। पानी खोलेंगे स्विच ऑन करेंगे पानी गर्म आएगा, पानी की सप्लाई को बंद करेंगे तो स्टीम भी आएगा। कोई गीजर आपको स्टीम प्रोवाइड नहीं करता है, ये स्टीम भी देता है, ऐसे ये सारे इक्विपमेंट इसके साथ आते हैं। जल्दी में कोल्ड हो गया है, इसमें हल्का सा विक्स लगाएंगे, बॉडी में पेन हो जाता है तो एडिक्शन मूव लगाएंगे, इसमें जो भी मेडिसिन क्रीम डालेंगे उसी का वेपोरब आता है। ये आ गया स्टीम, ये सारे इसके एक्स्ट्रा फीचर होते हैं, मेन फीचर आपको गर्म पानी देता है ऐसे। ये देखिए विक्स का नेल, कोई गीजर स्टीम प्रोवाइड नहीं करता है, ये स्टीम भी देता है, एक्स्ट्रा फीचर विक्स का नेल। ये यूज करना तो क्या कॉस्ट है इसकी? सर ये यूनिट प्राइस 3400 है, 3400 रुपए का, यहाँ पे डिस्काउंट है 535 रुपए का, डिस्काउंट के बाद ही 2865 रुपए का ऑर्डर बुकिंग कर रहे हैं, केवल 200 रुपए लेके ऑर्डर बुकिंग करते हैं, वो आपके लेस हो जाते हैं, बाकी अमाउंट घर पे लेते हैं फिट करने के। घर में गेस्ट आ गए हैं, कॉफी का मूड है, इससे एक्स्ट्रा से कॉफी बनाइए, किसी भी जगह में ठंडा मिल्क कॉफी शक्का पाउडर लीजिए और स्टीम प्रेसर को उसमें केवल डिप कीजिए, ये ठंडे मिल्क को गर्म करेगा, कॉफी का फॉर्म बनाएगा,
किचन में कोई भी लिक्विड आइटम को गर्म कीजिए, स्टीम से हॉट हो जाएगा। मल्टीपर्पज आइटम और इसकी वारंटी 2 ईयर्स, 2 साल की फुल रिप्लेसमेंट गारंटी होती है। तो वो कंपनी को यहाँ पे ऑर्डर करना है, जब पीछे कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह भी दिया हुआ है, आप इधर कॉल करके ये ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हो। फोन पे अभी तक हमने खाने के 2 आइटम चूज किए हैं और दोनों ही मेरे हिसाब से बेकार है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे ब्रांडेड शूज का जो है, यहाँ पे ब्रांडेड शूज है जो कि बड़े डिस्काउंटेड ऑफर पर चल रहा है, जैसे कि बाटा का है 299 वाला आपको 2999 वाला, लगभग 3000 रुपये वाला आपको 400 रुपये में मिल रहा है। 4000 रुपये का फिला का जूता आपको 900 रुपये में मिल रहा है। रेड टेप का आपको 7000 रुपये का जूता 1000 रुपये में मिल रहा है और पावर का 3000 रुपये का जूता आपको 700 रुपये में मिल रहा है। अच्छा डिस्काउंट है अगर आप लोगों को यहाँ पे शूज खरीदने का पहले आप प्लान कर रहे थे, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, आप यहाँ पे आकर के शूज ले सकते हैं। अभी हम ढूंढ रहे हैं कि कुछ और एक लास्ट चीज ट्राई की जाए खाने के लिए, कि अगर कुछ मिलता। आओ भैया, पियोगे लस्सी, जियोगे अस्सी, राधे राधे। आओ वृंदावन की मशहूर लस्सी भैया जी, आओ केसर पिस्ते वाली लस्सी भैया, आओ तीन कुल्लर लस्सी के। चलो भैया, 100 रुपये बिल्कुल पैसे वापस मिलेंगे, घर से वापस लौटा जाना भैया, कोई दिक्कत नहीं। आओ भैया, आओ वृंदावन की मशहूर लस्सी, तीन लस्सी। एक मलाई डल रही है इसपे, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। तो ये दोस्तों 40 रुपए का कुल्लड़ है, हमने इनसे जब लास्ट टाइम आए थे, अगर आपको मैं वीडियो देखी होगी हमारी पार्ट 1, तो इनसे हमने प्रॉमिस करके गए थे कि जब हम आएंगे तो हम इनकी लस्सी को ट्राई करेंगे, तो आज हम आए हैं। अब इसके ऊपर क्या डाल रहे हैं, ये मिठाई का धनिया, मिठाई का धनिया। तो यहाँ पे ये लग चुकी है, अब इसका टेस्ट पहुँचाते हैं। ठीक है, पर बहुत अच्छी भी नहीं है, बुरी भी नहीं है, ठीक ठाक है। 50 रुपए का है? 50 रुपए का, 50 रुपए का स्मोक वाला है ना? या क्या डलता है इसमें, स्मोक किस चीज से आती है, धुआं जो निकलता किस चीज से निकलता है? ड्राई एग्स से, ड्राई एग्स डालते हैं, ट्राई कराते हैं। चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है ये, बनाइए। ये इसमें ड्राई आइस भरी हुई है, ये देख सकते हैं। अब ये इन्होंने इसमें ये डाल दिया, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। अभी इसे घुमाया जा रहा है, अभी ये बन के तैयार हो चुका है। और ये कितनी देर रहेगा धुआं? अच्छा ठीक है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या धुआं इसमें से निकल रहा है, ऐसा लग रहा है ऐसे जल गया है, लेकिन छूने में बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत ज्यादा ठंडा। ट्राई करता हूँ, बिस्किट का टेस्ट ही खत्म हो गया, फ्लेवर है वो खत्म हो गया है, सिर्फ और सिर्फ इसमें स्मोक का फ्लेवर आ रहा है, ठंडा है, बहुत ज्यादा चिल्ड है। अगर मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ, बता दूँ ऐसे धुआं निकल रहा है। 50 रुपए में है भैया, थैंक यू। तो अभी हम ट्राई कर रहे हैं एक लास्ट राइड की, आज की अपनी एक लास्ट राइड हम लेने चल रहे हैं। अभी एक ही लिया है, ये झटके देने वाला है। इसे बोला जाता है सामने, जो सामने आपको दिख रहा है इसे बोला जाता है कप प्लेट। तो ट्राई करते हैं, अगर हम हो सकता है शायद इस पे राइड लें, इसकी राइड ट्राई करते हैं, देखते हैं। एक खतरनाक राइड है इसकी है। और यहाँ पे तो आप पहले देख ही चुके थे, हमने दिखा चुका है, यहाँ पे
इसकी कीमत जो है वो 100 रुपए है इस राइड की। अपनी टिकट लेते हुए यहाँ पे हमारी टिकट आएगा करीब 2, और अभी हमको वेट करना होगा 2 राउंड का, उसके बाद जाकर के शायद हमारा नंबर आएगा। तो अब रश आना चालू हो चुका है जैसा हमने आपको बताया था। वैसा आपकी जानकारी के लिए, वैसा मैं कल भी आया था फैमिली के साथ, और कल जो इसकी भीड़ थी, हम इतनी गंदी भीड़ थी मैं उस पर शूट ही नहीं कर पाया। अभी आप देखिए ये वाली राइड चालू होने वाली है इन लोगों की, ये पूरा 360 ये भी घूमता है, प्लस ये जो इनका वो है डांस वाला ये भी घूमता है। अभी हम बैठ चुके हैं यहाँ पे अपनी राइड लेने के लिए, स्टार्ट हो चुकी है। मैं अकेला ही हूँ, बाकी सब दो दो बैठे हुए हैं। मेरी टीम के लोग इधर आगे सामने देख सकते हो, ये बैठे हुए हैं, हालत खराब। यहाँ पे चल रहा है, अरे बाप रे बाप, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, वाह वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, पकड़ लो टाई, अरे चक्कर आ रहे हैं, अरे बहुत ज्यादा खतरनाक भाई, बहुत खतरनाक। 2 मिनट में इसने रेल बना दी। पहले मैं सोच रहा था कि सिर्फ ये 1 मिनट की 1.5 मिनट की राइड है, 1-1.5 मिनट की राइड करने में तेल निकल गया, तो इससे ज्यादा लंबी होती तो शायद झेल भी नहीं पाते, तो बहुत सही है। इस मेले का एक्सपीरियंस रहा है ये, मैंने आज 3रा पार्ट बना रहा हूँ, तो इसमें अभी तक मेरा ये रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। पिछले 2-3 साल से जैसे ये मेला बंद था, 2-3 साल बाद चालू हुआ है, तो मेले की महंगाई बहुत ज़्यादा है। और अगर कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ों में ऑफ़र भी हैं, अगर मैं बात करूँ खाने पीने की, तो खाने पीने की क्वालिटी में दिखने में तो बहुत अच्छा है, डेकोरेट बहुत अच्छा है, किया हुआ है, सजाया सजाया हुआ अच्छा है, लेकिन जो एक होता है प्रेजेंटेशन क्वालिटी, वो नहीं मिल रही है। ये लोग इस वक्त क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये लोग सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे हैं, और अगर आप क्वांटिटी पे ध्यान देंगे क्वालिटी पे नहीं देंगे तो आप समझ सकते हैं, तो फिर उसमें आपको स्वाद जो आप चाहते हैं जो आप दे रहे हैं। अभी हमने इतनी सारी चीज़ें टेस्ट की हैं, पैसा खर्चा किया है, लेकिन कोई भी एक भी मुझे ऐसा नहीं मिला कि मुझे लगे कि हाँ यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है। मैंने यहाँ पे भी आके टेस्ट किया हुआ है, हर जगह पे मैंने इधर टेस्ट किया था। पहले एक दिन जब मैं फैमिली के साथ आया था, मुझे कोई का स्वाद अच्छा नहीं लगा था, उस दिन मैं कैमरा नहीं लाया था क्योंकि फैमिली के साथ था तो शूट नहीं कर पाया था। तो आज मैंने वो चीज़ें ट्राई करी जो उस दिन नहीं की थी, तो क्योंकि उस दिन भी मुझे कोई अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मैंने आज सोचा कि आज कुछ अलग चीज़ें ट्राई करता हूँ, तो वो चीज़ें ट्राई करके और वही देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तंदूरी चाय है, अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हैं तंदूरी चाय। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आज 3रा पार्ट जो था रामलीला के मेले का, वो आज हमने आपको दिखाया है और यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं। तो हमने आज आपको यहाँ पे राइड्स भी दिखाई हैं और यहाँ पे हमने खाने का भी खेला है। तो ओवरऑल जो मेरा लास्ट में रिव्यू है इन 3 पार्ट्स के बाद, वो मेरा रिव्यू ये है। पहला, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है, कंपैरिजन टू पिछले कोविड से पहले के टाइम के हिसाब से ज़्यादा महंगाई है। खाने की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मेले में आ रहे हो, झूले अच्छे हैं पर थोड़े महंगे हैं, पर अब आ रहे हो, अब साल में एक बार झूला है तो वो चलो कंपैरिजन है, लेकिन खाना जो है वो मेरे को कहीं से कहीं तक कोई अच्छा नहीं लगा है।
उसके अलावा हाँ डेकोरेशन बहुत अच्छी है, और जो यहाँ की रामलीला है वो एक नंबर है, औसम है, मतलब आप वो होता है मनमोही, आप एक मनमोही तो जाते, इतनी जबरदस्त रामलीला है। इसके साथ में हम यहाँ पे अपने इस ब्लॉग को ख़त्म कर रहे हैं और जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, और जाते जाते आप लोगों को एक बार और फिर से दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं, और अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे बनाते रखें, वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।